साइंस की फितरत ही यही होती है कि वो चीजों को हमेशा अपग्रेड करती रहती है, पर इसी चक्कर में कभी कभी चीजें अच्छी बन जाती हैं तो कभी बहुत अजीब। वैसे अपने स्मार्टफोन को आप नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते होंगे, लेकिन क्या आपने फोन को चार्ज करने के लिए कभी ऐसा चार्जर देखा है? और क्या आपने ऐसी वॉच देखी है जिसमें सीक्रेट लाइटर मौजूद होता है? साथ ही ऐसे ग्लासेस जिन्हें लगाने पर आप वो सब देख पाएंगे जो दूसरा कोई नहीं देख सकता। तो इस चौंकाने वाले सफर के लिए हो जाइए तैयार। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आप आगे कुछ भी मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस अनोखे सफर को। वीडियो स्टार्ट करते हैं पॉकेट स्प्राइट से। तो गाइस, आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो बहुत से क्लासिक गेम्स खेलते थे, बट टाइम के साथ साथ आज गेम्स भी चेंज हो चुके हैं। लेकिन अगर आप अपने बचपन की मेमोरीज को दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप पॉकेट स्प्राइट नाम के इस छोटे से गेमिंग डिवाइस में कोई भी क्लासिक गेम खेल सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली इस डिवाइस की वेबसाइट से अपने मनपसंद गेम्स इस गैजेट में डाउनलोड करने होंगे और फिर आप उन्हें खेल पाएंगे। ये डिवाइस साइज में काफी छोटा होता है तो आप इसे एक किचन गैजेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, और फ्री टाइम या फिर अगर आप बोर हो रहे हो तो उस वक्त इस गैजेट से आप आसानी से टाइम पास कर सकते हैं। इस गैजेट को एक बार चार्ज करके आप इसमें घंटों तक गेमिंग का मजा ले सकते हैं। तो इस गेमिंग डिवाइस के लिए एक लाइक तो बनता है। कॉर्ड चार्जर। गाइस, इस चार्जर को देखने के बाद आप कैसा फील कर रहे होंगे इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। ये क्रीपी सा दिखने वाला चार्जर एक ह्यूमन ऑर्गन के शेप में होता है और इसकी बनावट के साथ साथ इसके मूवमेंट्स भी बिल्कुल असली लगते हैं। ये फोन का कुछ हिस्सा कवर करके उसे धीरे धीरे हिलाता रहता है, जिसे देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये धीरे धीरे फोन को निगलने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ फोन को चार्ज कर रहा है। इसका एक एंड पावर सोर्स में प्लग इन करना होता है, वहीं इसके माउथ में फोन का थोड़ा सा हिस्सा डालना होता है और ये इसी तरह से फोन को चार्ज कर देता है। तो अगर आपको हॉरर पसंद है, आप इस चार्जर को ट्राई कर सकते हैं और दूसरों को डरा भी सकते हैं। तो आपको ये चार्जर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइटर वॉच। तो गाइस, ये सिंपल सी दिखने वाली वॉच सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा राज छिपाए हुए है और वो सीक्रेट मौजूद होता है इसके डायल के नीचे। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग की। तो इसके साइड में एक चार्जिंग पोर्ट मौजूद होता है जिससे आप किसी भी नॉर्मल चार्जिंग केबल की हेल्प से इस वॉच को चार्ज कर सकते हैं। अब बात करें इसके सीक्रेट के बारे में, तो अगर आप इसके डायल को हल्का सा नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो वो सीक्रेट आपके सामने आ जाएगा। एक्चुअली ये एक मिलिट्री ग्रेड की लाइटर वॉच है। मिलिट्री ग्रेड यानी ये बहुत ज्यादा टफ और ड्यूरेबल होती है, और इसमें मौजूद लाइटर की खास बात ये है कि इससे आग नहीं निकलती, बल्कि बिना आग के ही आप डायरेक्ट इस लाइटर से किसी भी छोटी मोटी चीज में आग लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सिगरेट का ही एग्जाम्पल लिया गया है, बट ये सिर्फ इसे एक्सप्लेन करने के लिए है क्योंकि स्मोकिंग किसी की भी हेल्थ के लिए जरा भी अच्छी नहीं होती। 24 KUPI। बात चली है वॉचेस की, तो आपको मिलवाते हैं एक दूसरी अनोखी वॉच से, जो कि आती है अपने खास तरह के ग्लासेस के साथ। ये एक स्पाई वॉच होती है जिसमें आप टेक्स्ट को अपलोड कर सकते हैं, जो सिर्फ उसी को दिखाई देगा जिसने ये खास ग्लासेस पहने होंगे। बिना ग्लासेस के देखने पर इस वॉच की स्क्रीन में कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो पूरी की पूरी ब्लैक नजर आती है, जिससे कोई ये समझ ही नहीं पाएगा कि आप इस वॉच से कर क्या रहे हैं। पर जैसे ही आप इन ग्लासेस को लगाएंगे, सारा का सारा टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। इस वॉच में आप टेक्स्ट को अपने लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं और बाद में जब चाहें इन ग्लासेस की हेल्प से उस टेक्स्ट को सीक्रेट तरीके से देख भी सकते हैं। पोगो स्टिक। ये प्यारे प्यारे लोग हाथ में जो प्यारी प्यारी स्टिक जैसी चीज लिए हैं, आपको क्या लगता है कि ये क्या कर सकती हैं? एक्चुअल में ये एक चलते फिरते अच्छे खासे इंसान को एक फ्रॉग या फिर कहें कि एक कैंगारू में बदल सकती हैं। आपने कैंगारू को लंबी लंबी जंप्स मारते हुए तो देखा ही होगा, क्योंकि उनके पैर नेचुरली इसी पर्पस के लिए बने होते हैं। बट अगर बात की जाए कि क्या हम इंसान भी इतनी ही लंबी जंप्स मार सकते हैं, तो नॉर्मली तो इसका जवाब होगा ना, बट इन स्टिक्स के साथ हाँ। तो गाइस, इन्हें कहते हैं पोगो स्टिक्स, और ये स्प्रिंग और एयर प्रेशर के मैकेनिज्म पर वर्क करती हैं।
इनकी सवारी करने के लिए आपको बस इनमें पैर रखकर एक बार हल्का सा जंप मारना होता है, जितना भी आप मार सकते हैं, और उस एक जंप के बाद बाकी की जंप्स का काम ये पोगो स्टिक्स कर देती हैं। अब बात की जाए कि इनका यूज क्या होता है, तो यूज तो इन्हें बहुत से अलग अलग पर्पजेस के लिए किया जा सकता है, जैसे कि आप इनसे जंप करते करते कहीं भी आ जा सकते हैं, या फिट रहने और एक्सरसाइज के पर्पज से भी ये यूज की जा सकती हैं, या फिर कुछ नहीं तो इन्हें टाइम पास और एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी यूज किया जा सकता है, यानी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट से लेकर फिटनेस तक ये स्टिक्स आपके काफी काम आ सकती हैं। और जाहिर है जब आप इन्हें लेकर बाहर निकलेंगे तो सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ आप पर आकर रुक जाएंगी। इन स्टिक्स में ना किसी तरह का फ्यूल लगता है, ना कोई एक्स्ट्रा खर्चा, और ये काफी ज्यादा हाइट तक तो जंप कर ही सकती हैं, साथ ही हर एक जंप के साथ साथ बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी कवर कर सकती हैं। तो अपनी बाइक और कार को छोड़िए और मजा लीजिए इस अनोखी सवारी का। फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले कमाल के इन्वेंशन पर, जिसका नाम है लैंड मोडो। नॉर्मली कार्स को हम कवर करते हैं किसी भी नॉर्मल कवर से, जिसे कवर और अनकवर करना ही पहले तो बहुत मुश्किल काम होता है, और उसके बाद भी वो कार को बहुत ज्यादा से ज्यादा सिर्फ धूल से बचा पाता है। बट लैंड मोडो नाम का ये गैजेट एक कवर नहीं बल्कि एक ऑटोमेटिक टेंट होता है। इसे यूज करने के लिए इसे कार की रूफ पर रख कर एक बटन प्रेस करना होता है, जिससे ये ऑन हो जाता है और इसका टेंट एक्सपेंड होकर कार को आसानी से कवर कर लेता है। इसे आप चाहें तो डायरेक्ट अपनी कार से ही चार्ज कर सकते हैं, और समर्स में ये कार के टेम्परेचर को काफी कम रखता है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर कार को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही ऊपर के एंगल से ये कार को पूरी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ये टेंट इतना मजबूत होता है कि अगर इस पर काफी ऊंचाई से एक पत्थर भी गिराया जाए तो भी इसे ये कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। साथ ही तेज हवा या आंधी की सिचुएशन में भी ये टेंट कार के साथ मजबूती से जुड़ा रहता है। यूज करने के बाद आप इसे फोल्ड करके एक बैग में और बहुत ही कम स्पेस में रख सकते हैं। तो कार की प्रोटेक्शन के पर्पस से ये गैजेट एक मस्ट हैव हो जाता है। JJRC क्यूबो। अब देखिए इस क्यूट से उड़ने वाले टॉय बैलून को, जो बिल्कुल किसी बर्ड की तरह हवा में अपने पंखों को हिलाते हुए उड़ता रहता है। ये एक रिमोट कंट्रोल बैलून होता है, जिसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसमें हीलियम गैस मौजूद होती है, जिसकी मदद से ये हवा में बहुत आसानी से ग्लाइड कर पाता है। इसे उड़ाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें हीलियम गैस भरनी होगी, उसके बाद इसके विंग्स और आइस को इसमें लगा देना होगा। फिर इसमें नीचे की तरफ ऑन ऑफ वाली किट को लगाकर और उसे ऑन करके आप इसे उड़ाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसका मटेरियल कुछ इस तरह का होता है कि इसमें अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से पिंच भी किया जाए तो भी ये फटता नहीं या फिर एक्सप्लोड नहीं होता, यानी इसमें हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया है। तो अगर आप एक असली पेट नहीं पाल सकते किसी भी वजह से, तो अपने घर पर एक वर्चुअल पेट के तौर पर इस क्यूट से बलून बर्ड को रख सकते हैं। तो सभी को और खासकर बच्चों को तो ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। गाइस, लास्ट में आ जाता है लिक्विड फोन केस। दोस्तों, आपने बहुत से अलग अलग तरह के स्मार्टफोन केसेस देखे ही होंगे और यूज भी करते होंगे। बट गाइस, अगर आप अपने महंगे स्मार्टफोन को एक बहुत कमाल का लुक देना चाहते हैं तो आप इन लिक्विड फोन केसेस को यूज कर सकते हैं, और खासकर ये केसेस लड़कियों को तो बहुत पसंद आएंगे, हालांकि लड़के भी इसे काफी लाइक करेंगे। आप चाहें तो ये केस किसी को गिफ्ट करके उसे खुश कर सकते हैं। इन केसेस में बहुत से अलग अलग डिजाइन होते हैं और इसमें दो लेयर्स होती हैं, जिनके बीच में जेल और ग्लिटर्स डाले जाते हैं, जो मूव करते रहते हैं और देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। इन केसेस को परचेस करने की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इन्हें आसानी से परचेस कर सकते हैं। डबल लेयर्ड होने की वजह से ये फोन को सेफ भी रखता है, और अगर फोन कभी कहीं गिर जाता है तो भी उसे ये केस कोई नुकसान नहीं पहुंचने देता। तो आपके कॉस्टली स्मार्टफोन्स को ये केस लुक्स के साथ साथ पूरी सेफ्टी भी प्रोवाइड कर देता है। तो गाइस, ये थे कुछ कमाल के गैजेट्स और प्रोडक्ट्स जो आपको बेहद पसंद आए होंगे।